नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल माया क्रिएशंस में। और मैं आपके लिए यहाँ पे आज वीडियो लेके आई हूँ, जो कि मेरे पास बहुत सारी कमेंट्स आई थी बनाने के लिए। तो मैं यहाँ पे बनियान्स कटिंग का वीडियो ये अपलोड कर रही हूँ, जो कि पार्ट फर्स्ट में अपलोड कर रही हूँ। तो इसमें सिर्फ कटिंग की वीडियो है, स्टिचिंग की वीडियो मैं इसके बाद अपलोड करूँगी। तो आप देखिए, आपको सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि यहाँ पे आपको बनियान अगर आपको बुज़ुर्गों के लिए बनानी है तो यहाँ पे लगभग 1 से 1.5 मीटर कपड़ा लगेगा। और हम बस यहाँ पे एक कटिंग का डेमो बता रहे हैं जो हमारी साइज़ के अकॉर्डिंग होगा। तो कभी भी आप कपड़ा लेने जाएं तो कॉटन का लें और 1 से 1.5 मीटर लें। अगर आप काफ़ी ज़्यादा मतलब कि हेल्दी आदमी के लिए बना रहे हैं तो 1.5 मीटर कपड़ा ले लें। और यहाँ पे हमारे पास कपड़ा ऑलरेडी है कॉटन का, जो हमने यहाँ पे फोल्ड किया हुआ है, डबल फोल्ड आप देख सकते हैं। तो हम जो भी साइज़ यहाँ पे मेज़र करेंगे वो अपने अकॉर्डिंग मेज़र करेंगे। तो मैं आपको यहाँ पे इंस्ट्रक्शन देते जाऊँगी कि आपको कहाँ कहाँ अपने अकॉर्डिंग साइज़ रखनी है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके दबा लीजिएगा बेल आइकन, जिससे लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहे। और ये उरेबी बंडी है, यानी कि उरेबी बनियान, जिसमें फ्रंट के साइड में पॉकेट रहता था। तो ये बहुत पहले बनाई जाती थी, लेकिन मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे इसलिए मुझे वापस से ये बनाना पड़ेगा आप लोगों के लिए। तो मेरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने कपड़े को डबल फोल्ड किया है, चौड़ाई में फोल्ड करना है कपड़े को आपको। ये आपका कपड़ा है, इसको आपको ऐसे फोल्ड कर देना है डबल फोल्ड। उसके बाद दोनों किनारों पे आपको सिलाई चला लेनी है मशीन से। मैं यहाँ पे आपको सिलाई चला के दिखाऊंगी, यहाँ पे और नीचे दोनों साइड में आपको सिलाई चला के पहले ज्वाइन कर लेनी है। तो मैं यहाँ पे सिलाई चला के आपको दिखाती हूँ। ये आप देख सकते हैं हमने दोनों तरफ से सिलाई चला के और ज्वाइंट कर दिया है ये किनारे पे। तो ऐसे ही आपको सिलाई चला लेनी है। उसके बाद कपड़े को आपको ऐसे, जैसे हम चूड़ीदार बनाते हैं, ये एक थैली की तरह हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि हम कैसे कर रहे हैं। तो ये देखिए, कपड़े को आपको ऐसे राउंड फोल्ड करना है लगभग 5 इंच पे, दोनों साइड 5 इंच रहना चाहिए। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, जब भी आप ऐसे सिलाई को एडजस्ट करें तो ये लगभग 5 इंच की दूरी पे रहना चाहिए। फिर यहाँ से हम जब ऐसे कर लेंगे तो बीच में किनारे पे एक और सिलाई चलाएँगे। ये आप देख सकते हैं हमने किनारे पर भी एक सिलाई चला ली है। तो यहाँ पे भी हमने सिलाई चला के ज्वाइंट कर लिया है, जो मैंने आपको बताया था कि सिलाई एडजस्ट करने के लिए यहाँ से 5 इंच लेना है और दोनों किनारे से 5-5 इंच, उसके बाद से सिलाई चला के इसको ज्वाइंट कर देना है। अब यहाँ पे दोनों किनारे से हमको कटिंग कर लेना है। यहाँ पे हमें एक, पहले हम एक किनारे से कटिंग कर लेंगे। जब एक किनारे से आप कटिंग कर लेंगे तो ये आपका शेप जो है वो बराबर से बैठ जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं।
जैसे हम चूड़ीदार बनाते हैं सलवार उसी टाइप का। तो ये हमारी सिलाई कुछ ऐसे बीचों बीच किनारे में आ जाएगी। और हमने एक साइड से कटिंग किया है अपना। अब ये हमने यहाँ पे कर ली है 20 इंच, जो कि हमारे चेस्ट का नाप है। अब यहाँ पे आपको अपने अकॉर्डिंग रखने की ज़रूरत है। जब आप कपड़े को पूरा सिल लें, ऐसे तैयार कर लें और एक तरफ से कटिंग कर लें, उसके बाद से कपड़े को शेप दे करके और यहाँ से आप चेस्ट मेजर करेंगे, तो चेस्ट आप अपने अकॉर्डिंग मेजर करिए। जितनी आपकी चेस्ट आपको रखनी है उससे लगभग 4-5 इंच आप एक्स्ट्रा ही लें, क्योंकि ढीला ही रहेगा तो सही है, ज़्यादा फिटिंग अच्छी नहीं लगती बनियान में। और दूसरी बात, चेस्ट उस इसलिए भी आपको ज़्यादा लेना ज़रूरी है क्योंकि बहुत लोगों का चेस्ट नहीं होता है लेकिन पेट निकला हुआ रहता है, तो उसको भी ध्यान देने की ज़रूरत है। आप दो चीज़ का मेजर लें, चेस्ट और पेट का, और पेट के हिसाब से ही आप चेस्ट भी रखें, उससे एक्स्ट्रा ही रखें, कम ना रखें। यहाँ पे हम शोल्डर मेजर कर रहे हैं तो कंधा हम यहाँ पे रखेंगे। तो शोल्डर नापने का सिस्टम ये है कि आप शोल्डर को मेजर कर लें, जिनका भी आप बनियान बना रहे हैं उससे 1 इंच एक्स्ट्रा ले लें, और 1 इंच एक्स्ट्रा लेने के बाद टोटल जो आपका शोल्डर है उसका हाफ यहाँ पे लें। तो हमने यहाँ पे 7.5 रखा है, 14 है तो 15, 1 इंच एक्स्ट्रा लेके 15 हुआ, और 15 का आधा यहाँ पे 7.5, और यहाँ पे 6.5 आरमोल। आरमोल आप 7 भी रख सकते हैं, 6.5 भी रख सकते हैं, 7 भी रख सकते हैं। और गला एक रैंडम साइज़ पे हमने 3 इंच रखा है, आप भी 3 ही इंच रखें क्योंकि इसकी कोई साइज़ नहीं है, तो रैंडमली आप 3 ही रखें, चाहे हेल्दी आदमी का सिल रहे हो या पतले आदमी का सिल रहे हो। और ये है 4 इंच, ये 4 इंच यहाँ पे हमने मेजर किया है पीछे के गले के लिए, और यहाँ से 5 इंच हम यहीं टिक लगा लेंगे आगे के गले के लिए। फ्रंट का गला थोड़ा सा डीप रहेगा 5 इंच, तो गला भी आप इतना ही रखें। बहुत करें तो आधा आधा इंच आप बढ़ा सकते हैं अगर आप चाहें तो, उससे ज़्यादा ना रखें। बगलिए अब यहाँ पे बात आती है लेंथ की, तो लेंथ के जितनी आपकी लेंथ है उससे आप 2 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा करके लीजिए। हमने यहाँ पे 20 रखा है, रैंडम हमने लिया है क्योंकि हमें, और हमारे पास कपड़ा कम था तो हमें पॉकेट लगाने के लिए भी कपड़ा चाहिए, इस चीज़ का याद रखिएगा। तो आप लेंथ अपने अकॉर्डिंग रखिएगा और 2 इंच बढ़ा के लीजिएगा क्योंकि ये बनियान थोड़ी सी लंबी होती है साइज़ के हिसाब से। तो यहाँ हमने कर ली है कटिंग, ये मैं किसी भी साइज़ का नहीं बना रही हूँ, पहले बता रही हूँ। मैंने ये रैंडम एक डेमो दिया है आप लोगों को कि आप कैसे बनाए, सिस्टम क्या है कटिंग का, तरीका क्या है कटिंग का। तो लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग रखें, लेंथ जितनी आपको चाहिए उससे 2 इंच आप बढ़ा लें। अब यहाँ पे हम करेंगे जो 1 इंच हमने फ्रंट का गला डीप किया हुआ है, तो 1 इंच हम डीप करेंगे यहाँ पे, तो सिर्फ एक पल्ला आगे का ले करके हम कटिंग करेंगे, दोनों एक साथ नहीं कर देंगे। पहले आपको 4 इंच वाला गला एक साथ कटिंग कर लेना, उसके बाद 5 इंच वाला ऐसे अलग करके कटिंग करना है। तो ये हमारी कुछ बनियान ऐसे बन के रेडी है, तो ये देखिए ये हमारा पीछे का हिस्सा है, कुछ ऐसा आएगा कटिंग होने के बाद, और फ्रंट का हिस्सा कुछ ऐसे आएगा, जो कि हम यहाँ से बीच से कटिंग करके और यहाँ से पॉकेट लगाएंगे, जो कि इसकी इसका पॉकेट जो है वो यहाँ बीच में रहता है फ्रंट के साइड में। तो ये आपको इसकी मेजरमेंट आपको सिलाई वाली वीडियो में मिलेगी, तो आप इस पार्ट को कंटिन्यू करिए सेकेंड पार्ट में।
और जब भी मैं वीडियो एक दो दिन में अपलोड करूँगी इसका सिलने के बाद, तो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तब तक के लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, 1 से 2 दिन का, उससे ज़्यादा नहीं। तो ये कटिंग पार्ट है, अस्तीन नहीं रहता है। और इसमें जो है एक बात और क्लियर कर दूँगी कि इसमें आस्तीन की ज़रूरत नहीं है आपको। अगर आपको चाहिए तो आप आस्तीन अलग से लगा सकते हैं छोटा सा, जो कि आस्तीन काटने का तरीका तो सेम ही है। तो अगर उसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। फ़िलहाल हम इस बनियान में जो है वो आस्तीन का यूज़ नहीं करेंगे, तो ये ऐसे ही बनाएंगे बिना आस्तीन के। तो तब तक के लिए ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, समझ में आई हो, तो आप इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और साथ में इसकी स्टिचिंग वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहिए। और हम आपको नेक्स्ट वीडियो में इसकी सिलाई दिखाएंगे। तब तक के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।